पबजी दीवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जी। हाँ, पबजी को अनबैन कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए वालों को दे दिया है कि इसको बैन हटा दिया जाए, पबजी अनबैन हो गई है। और अब पबजी डेवलपर जो है, पबजी खेलने वाले अब ईजिली आराम से अब उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे और खेल सकेंगे। और जो टूर्नामेंट खेलना चाह रहे थे फ्री स्टाइल वाले, जैसा कि वर्ल्ड वाइड पबजी टूर्नामेंट, वो भी अब ईजिली खेल सकेंगे क्योंकि अब पबजी से बैन हट गया है। और अब पबजी आराम से खेल सकते हैं जो कि पबजी के शौकीन थे, पबजी को बहुत पसंद करते थे, अब इजीली वो उसको अब गेम को खेल सकते हैं और अब इसमें कोई मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। जैसा कि आपको पता है कि पीटीए वालों ने जुलाई के शुरू में ही इसको बैन कर दिया था। वजह ये बनाई थी कि बच्चे से खुदकुशी कर रहे थे। और इस केस जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि इसको पबजी को बैन किया जाए, तो इसको अनबैन किया जाए। इसका फैसला उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया था। तो अब इसका फैसला आ गया है आज ही, और जुम्मे का मुबारक दिन है, और मुबारक दिन के मौके पर पबजी को बैन हटा दिया, पबजी से बैन हटा दिया गया है। और अब पबजी खेलने वाले आराम से पबजी खेल सकेंगे और एंजॉय गेम एंजॉय कर सकेंगे। जो इससे पैसा कमा रहे थे, अब वो भी अब इजीली पैसा कमा सकेंगे। तो ये थी आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि पबजी से बैन हटा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा हुक्म कि पबजी से बैन हटा दिया गया है। और पबजी के लिए लवर्स के लिए बहुत खुशखबरी है। और सबसे बड़ा इसका क्रेडिट जाता है वकार ज़का को। जी हाँ, वकार ज़का ने बहुत कोशिश की, इसको केस को फाइल किया, इस केस को लड़ा और केस जीत के। और सारा क्रेडिट जाता है वकार ज़का को, उन्होंने कोशिश की इसके लिए कि पबजी से बैन हटा दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ, इस्लामाबाद कोर्ट ने आज तफसीली फैसला दिया कि पबजी से बैन हटा दिया है और अब पबजी लवर आराम से गेम खेल सकेंगे। तो ये थी आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें। टेक केयर, बाय।